वेलकम बैक अगेन सो प्रोवाइडर स्टेट मैनेजमेंट फ्लटर प्रोवाइडर स्टेट मैनेजमेंट की इस ट्यूटोरियल की सीरीज़ में मैं आपको वेलकम कहता हूँ एंड दिस इज़ योर होस्ट आसिफ ताज एंड uh, आज की और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आसिफ ताश आसिफ ताज टैक अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसके अलावा आप मेरी फेसबुक कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है इसके अलावा मेरे साथ लिंक के ऊपर भी कनेक्ट हो सकते हैं जहाँ मैं टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करता रहता हूँ आप लोगों के साथ एनी वेज कम टू द कम टू द टॉपिक जिस तरह के आप डैमो में देख चुके हैं जिसमें हमने एक लिस्ट क्रिएट की थी एंड लिस्ट के अंदर फिर हम बेसिकली एक सिंपल सी ऐप क्रिएट की थी जिसमें हम लिस्ट um, के अंदर डिफरेंट आइटम्स हैं उनको फेवरेट कर रहे हैं एंड देन उन फेवरेट्स को एक जगह पर शो कर रहे हैं ठीक है सो so, अब होगा ये कि मैं आपको दोनों मेथड्स करके दिखाऊंगा वन इज़ द सेट स्टेट जो कि हमारे पास नॉर्मल वे ऑफ डूइंग है देन मैं प्रोवाइडर के साथ वो चीज़ आपको करके दिखाऊंगा ठीक है सो विदाउट फर्दर एनी वेस्टिंग टाइम हम इसको स्टार्ट करते हैं बट मैं आपको बताता कि अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो मे बी ये वीडियो आपको समझ ना आए सो इट वुड बी बैटर जिस तरह मैंने अपने डेमो में आपको बताया था कि आपने इस प्ले को किस तरह से वॉच करना है और किस तरह से आपने सीखना है अगर आप एक भी वीडियो को मिस कर जाएंगे तो फिर आपको अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा इशूज़ आएंगे ठीक है सो so मैं क्या करता हूँ स्क्रीन के अंदर यहाँ पर आके एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देता हूँ जिसको मैं नेम दे देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल फेवरेट ओके एंड देन फेवरेट डायरेक्टरी के अंदर या फेवरेट फोल्डर के अंदर मैं डाट फाइल क्रिएट करता हूँ ओके फेवरेट स्क्रीन ओके एंड देन मैं यहाँ पर इस मटेरियल को इंपोर्ट कर लेता हूँ ओके इंपोर्ट करने के बाद मैं एक स्टेट फुल विजिट क्रिएट कर लेता हूँ एंड इसको मैं नेम दे देता हूँ फेवरेट स्क्रीन ओके एंड देन ये फेवरेट स्क्रीन मैं अपने मेन डॉट मेन फाइल में आके ओके सो इसको मैं अब यहाँ से क्या करता हूँ मैं क्लोज ऐसे थोड़ा सा पेंड कर लेता हूँ तो यहाँ पर ये जो होम है यहाँ पर मैंने इसको फेवरेट स्क्रीन प्रोवाइड कर दी एंड मैंने इसको यहाँ पर इम्पोर्ट कर लिया एंड आप अपने प्रोजेक्ट को रन कर देता हूँ तो यू विल सी अ ब्लैक स्क्रीन ओके इट द कंटेनर सो मैं इसको स्कैफल्ड में चेंज कर देता हूँ ओके देन स्कैफल्ड में वी हैव बॉडी एंड बॉडी के अंदर हम कॉलम ले लेते हैं ठीक है एंड देन कॉलम हैज द चिल्ड्रन ओके एंड यहाँ पर एप बार एज यूजल ओके ऐप एंड इसका टाइटल होगा एंड द टाइटल इज ओके सो द टाइटल इज Favorite okay, F -a -v -o -u -r -f -a. okay, favorite app okay, and I'm gonna save you see the change. Now, here the next thing we will do is um, I'll use the expanded widget and the list view builder. So, list view builder, we'll utilize the okay, and inside this list view builder, as you know, it has the builder.

सेमी कॉलन ऐड कर दें अब लिस्ट स्टाइल के अंदर आपको पता है कि टाइटल होता है टाइटल एक्सेप्ट करता है एक टेक्स्ट विजिट को ठीक है सो so, मैं यहाँ पर इस लिस्ट को मैं फॉर एग्ज़ाम्पल नेम दे देता हूँ आई वुड से आइटम ओके प्लस इंडेक्स डॉट टू स्ट्रिंग अगर मैं सेव करूँगा तो यहाँ पर आपके पास नहीं आ रहा है एंड एरर आ जाएगा ठीक है देखें क्योंकि ये जो लिस्ट है ये फुल स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है लेकिन इसको ये नहीं पता कि कितना करना है तो हम यूज़ करेंगे एक्सपेंडेड विजिट अगर आपको एक्सपेंडेड विजिट के बारे में नहीं पता कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ़ दिस एक्सपेंडेड तो मेरी एक कंप्लीट वीडियो है एक्सपेंडेड विजिट के ऊपर वो आप मेरे चैनल पे सर्च कर सकते हैं वो आपको इजीली मिल जाएगी ठीक है सो so, वहाँ पर मैंने एक्सपेंडेड विजिट का ए टू जेड एक्सप्लेन किया है कि हाउ इट वर्कस ओके एंड देन यहाँ पर हम क्या करते हैं इसका एक ट्रेलिंग ट्रेलिंग होता है एंड ट्रेलिंग में फॉर एग्जाम्पल मैं यूज़ कर लेता हूँ लेट्स से आइकन ओके एंड देन आइकन्स के अंदर मैं यहाँ पर आइकन स्टोर डॉट फेवरेट यूज़ करता हूँ ठीक है आइकन डॉट फेवरेट ओके एंड यू सी नाउ लिस्ट स्क्रोलिंग ओके नाउ द थिंग इज़ के अब यहाँ पर लिस्ट के अंदर मैं कुछ भी फॉर एग्जाम्पल कुछ आइटम्स को फेवरेट करना चाहता हूँ ठीक है सो वट आई नीड टू डू मुझे यहाँ पर एक ऑन क्लिक लिस्नर चाहिए तो वो ऑन क्लिक लिस्नर मुझे ये प्रोवाइड कर देता है लिस्ट टाइल ओके एंड यहाँ पर अभी आइटम को मैं कुछ सेलेक्ट करूंगा ओके एंड देन यहाँ पर वो आइटम सेलेक्टेड शो हो जाएंगे ठीक है सो अब ये सारे सेलेक्टेड हैं तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ फेवरेट आउटलाइन ओके सो फेवरेट आउटलाइन एंड ये देखें सारे um, वो हो गए अनफेवरेट फेवरेट हो गए ना आप यहाँ पर जो लॉजिक है ना बेसिकली ये विदाउट अभी तक प्रोवाइडर मैं आपको बता रहा हूँ ठीक है so, सो जैसे मैंने डामो में एक्सप्लेन किया था कि मैंने आपको दोनों मेथड से करके दिखाना है एंड आई लीव द डिसीजन डू विच वन इज़ बेटर एंड विच वन इज़ फास्टर ओके ओबियसली वन वी आर डूइंग विद द प्रोवाइडर इज़ मच फास्टर एंड मच बेटर ओके सो द होल पॉइंट इज़ कि मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूँ दोनों चीज़ों का कि आप अगर इस तरह से करेंगे तो क्या डिफरेंस होगा और प्रोवाइडर के साथ करेंगे तो क्या होगा ठीक है सो ना आई वट आई डू मैं एक लिस्ट लेता हूँ ओके okay, एंड इसको मैं इंटीजर ओके okay, एक इंटीजर की लिस्ट है ओके okay, ये आप देख सकते हैं लिस्ट ओके okay, एंड ये एक एरे गिविंग इज एन एरर कम ऑन इक्वल टू नॉप सो सी ये एरर क्यों आ रहा है हमारे पास ओके, okay, सो so हम क्या कर देते हैं इसको लिस्ट ओके इंट, एंड यहाँ पर ओके ओके सॉरी मैं इसको नेम देना भूल गया था सो फॉर एग्जांपल सेलेक्टेड आइटम ओके इज इक्वल टू अरे ओके यहाँ पर अब ये लिस्ट बन गई है ठीक है अब मैं यहाँ पर अपनी लॉजिक इंट्रोड्यूस करूँगा लॉजिक क्या है तो लॉजिक इज इफ ओके सेलेक्टेड डॉट ओके सो लेट्स लीव इट मैं अब यहाँ पर क्या करता हूँ सेलेक्टेड आइटम डॉट एड एड क्या इंडेक्स ओके बिकॉज इंडेक्स इज़ यूनिक हर आइटम का अपना एक इंडेक्स है ठीक है तो मैं वो इंडेक्स यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ ओके एंड अब मैं क्या करूँगा जब मैं आइटम ऐड हो जाएगा ना तो मैं यहाँ पर सेट स्टेट को कॉल कर दूंगा ठीक है ये सेट स्टेट कॉल हो गया एंड यहाँ पर एज यूजल मैं एक स्टेटमेंट को प्रिंट कर देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंट ओके सो यहाँ पर अब क्या आ, क्या आ जाना चाहिए बिल्ड ओके बिल्ड ओके ये बिल्ड आ गया एंड अगर अब आप, आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने चेक लगाना है इफ़ ये देखिए सेलेक्टेड आइटम है ना तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा सेलेक्टेड आइटम डॉट कंटेन्स इंडेक्स ओके अगर उसको इंडेक्स मिल रहा है तो कॉन्टेन इंडेक्स तो आप यहाँ पर आइकन्स डॉट फेवरेट कर दें ओके okay. एल्स आप इसको यहाँ पर फेवरेट आउटलाइन कर दें ठीक है सो so, मैं इसको सेव करता हूँ अभी देखें कोई भी हमारे पास फेवरेट नहीं है और मैं रन पे चला जाता हूँ नाउ यू सी कि मैं इसका फेवरेट कर रहा हूँ तो यहाँ पर देखें ये बिल्ड सो so, ये जो पूरा विजिट है ना ये दोबारा से रीबिल्ड हो रहा है एंड नाउ द थिंग इज़ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास आइटम काउंट है वो एक लाख है सो वन थाउजेंड मैंने कर दी फॉर एग्जाम्पल इसको आप टेन थाउजेंड कर दें ओके सो नाउ इट्स अ टेन था टेन थाउजेंड इस आइटम काउंट अब यहाँ पर मैं इसको फेवरेट कर रहा हूँ तो इमेजिन कि आपका ये जो पूरा विजिट है ये दोबारा से रीबिल्ड हो रहा है हाउ मनी टाइम्स हंड्रेड टेन थाउजेंड टाइम्स ठीक है सो दिस इज नॉट अ गुड वे टू डू डील विद दिस काइंड ऑफ द लिस्ट जो इतनी बड़ी होती हैं ठीक है अब ये हमारे पास क्या था एक ऑर्गेनिक uh, ये एक ऑर्डनरी मैथड था ओके okay, अब हम क्या करेंगे अब हम प्रोवाइडर को यूज़ करेंगे ठीक है सो उसके लिए मैं क्या करता हूँ मैं यहाँ पर आ जाता हूँ ओके एंड देन प्रोवाइडर यहाँ पर मैं क्लास क्रिएट तो, fa okay? कर लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल एफ ए फेवरेट अंडरस्कोर प्रोवाइडर ओके एंड यहाँ पर इसको क्लास को मैं नेम दे देता हूँ पहले मैं इम्पोर्ट कर लेता हूँ फाउंडेशन लाइब्रेरी ओके एंड देन यहाँ पर मैं क्लास को नेम देता हूँ एफ ए वी ओ यू फेवरेट वट वुड आई से फेवरेट आइटम एंड देन विदिफायर ओके दैट इट ना ओ यूरिट एफ वी ओ यू ओके यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक थी एफ ए वी ओके तो ये स्पेलिंग मिस्टेक दूर हो गई नाव अब सेम लॉजिक जो हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट की थी लेटनी जस्ट इसको दोबारा से मैं यहाँ पे वापस ले आता हूँ अब आप देखें जो सेम लॉजिक मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट की थी ना अब इसको हम प्रोवाइडर के थ्रू करेंगे यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया ओके okay? मैंने फेवरेट प्रोवाइडर के अंदर इसको एज इट इज़ यहाँ पर ऐड कर दिया नथिंग न्यू एंड मैं इसको कर देता हूँ प्राइवेट ओके एंड अब मैं एक गेटर मेथड क्रिएट करूंगा लिस्ट ऑफ इंटीजर क्योंकि इसकी डेटा टाइप इंटीजर है ठीक है इंटीजर ओके गेट एंड यहां पर मैं क्या करूंगा सेलेक्टेड आइटम ओके इज इक्वल टू दिस वन इस लिस्ट के जो सेलेक्टेड आइटम है या इसके अंदर जो भी आइटम है वो आप ले लें ठीक है देन मैं क्या करूँगा यहाँ पर मैं एक वैल्यू क्रिएट करूंगा ओके जब यूज़र क्लिक करेगा ना तो मैं इस लिस्ट के अंदर उसका इंडेक्स ऐड कर दूँगा जो भी सेलेक्टेड इंडेक्स होगा ठीक है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखें जब इसके ऊपर क्लिक कर रहा करो ना तो इसका ये फोर इंडिक्स ये फोर इंडेक्स मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा एड आइटम्स ओके एंड आइटम को यहाँ पर मैं वैल्यू प्रोवाइड करूँगा इंटीजर क्यों कि ये आइटम है टू तो यहाँ से इसको मैंने टू वैल्यू प्रोवाइड करनी है बिकॉज इट्स यूनिक तो हमें यूनिक स्टोर करना है वो यहाँ इस लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगी फॉर एग्जांपल ठीक है तो नेक्स्ट टाइम जो इसको फिर हम रिमूव कैसे करेंगे वो उसकी लॉजिक फिर मैं आपको बाद में बताता हूँ ठीक है लॉजिक से ज़्यादा आप अंडरस्टैंड करें कि प्रोवाइडर किस तरह से इसके अंदर काम कर रहा है सो दिस वाज द वन एंड यहाँ पर अब हमारे पास जो सिलेक्टेड है ठीक है ये वाला ठीक है सिलेक्टेड आइटम डॉट एड विच दिस वैल्यू एंड ये हमने यहाँ पर एड कर दिया ठीक है दैट्स इट नाउ लेट्स गो टू और फेवरेट स्क्रीन एंड यहाँ पर अब हम आ जाते हैं फाइनल फेवरेट प्रोवाइडर इज इक्वल टू प्रोवाइडर ओके एंड यहाँ पर आप इसकी लाइब्रेरी इम्पोर्ट कर लें अल्स ये आपको सजेशन नहीं देगा ऑफ कॉन्टेक्सट कौन सी क्लास का कॉन्टेक्स्ट फेवरेट प्रोवाइडर का ठीक है फेवरेट आइटम्स ओके फेवरेट आइटम की क्लास इसके बारे में चला जाता हूँ एंड आप इसको यहाँ पर फेवरेट आइटम एंड यहाँ पर आप इसको रीनेम करके आप इसको प्रोवाइडर का नेम भी दे दें ताकि डिफरेंट शेट हो जाए ओके okay? नाओ दस दट पार्ट इज़ डन ओके नाउ वट आई वुड डू कि यहाँ पर ये यह जो फेवरेट प्रोवाइडर है ठीक है तो अब क्या होगा फेवरेट प्रोवाइडर ओके डॉट ओके एंड यहाँ पर सेलेक्टेड आइटम वही वाला प्रोवाइडर से आ गया एंड हमने यहाँ पर ऐड कर दिया इंडेक्स को ओके okay, सो so यहाँ पर देखें ये सेलेक्टेड आइटम है तो अब सेलेक्टेड नहीं होगा रीज़न इसके हमने इसके लिए मेथड क्रिएट किया था ठीक है एंड यहाँ पर आप एरर भी देख सकते हैं तो ये एरर इसलिए आया बिकॉज हमने ये प्रोवाइडर कि क्लास तो क्रिएट करती है बट इस क्लास को क्रिएट करने के बाद हमने अपनी इस प्रोवाइडर को यहाँ पर मेन के अंदर मेंशन नहीं किया था जो हमारे मल्टी प्रोवाइडर्स हैं ठीक है सो यहाँ पर मैं, मैं क्या करूँगा इसको मैं चेंज कर दूंगा फॉर यहाँ पर वी हैव द फेवरेट ओके सो यहाँ पर आपको बी सजेशन दे दें एफ ए वी एफ ए वी यू आर फेवरेट कम ऑन फेवरेट ओके यहाँ से मैं डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ फेवरेट आइटम प्रोवाइडर एंड यहाँ पर हमें इसको सेव करूँगा तो ये आपका एरर रिमूव हो जाएगा ठीक है सो नाउ लेट्स गो बैक टू द फेवरेट स्क्रीन एंड यहाँ पर अब आप देखें फेवरेट प्रोवाइडर डॉट सेलेक्टेड आइटम है ठीक है तो अब हमें ये सेलेक्टेड आइटम नहीं चाहिए बिकॉज हमने यहाँ पर एक फंक्शन लिखा था जिसको हमने नेम दिया था एड आइटम्स का एंड यहाँ पर हमने इंडिक्स की वैल्यू उसको प्रोवाइड कर देनी थी ठीक है एंड वी ऑल्सो डोंट नीड द सेट स्टेट ओके okay. सिमिलरली अब आप यहाँ पर आ जाएं ठीक है एंड फेवरेट डॉट सेलेक्टेड आइटम डॉट कॉन्टेंट्स इंडेक्स ठीक है एंड इट वर्क फाइन नाउ वन थिंग इज़ के यहाँ पर ये प्रिंट स्टेटमेंट मैंने आपने कर लेनी है बिल्ड एंड एक चीज़ जो हमसे मिस हो गई थी दैट वॉज के आप यहाँ पर एड आइटम के अंदर नोटिफाई लिस्टनर भी एड कर दें ठीक है क्योंकि नोटिफाई तब होगा जब यहाँ पर सर वैल्यू ऐड हो जाएगी तो नोटिफाई हो जाएगा कि इस लिस्ट के अंदर कुछ ऐड हो गया है ठीक है अब आपने करना क्या है अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से रन कर लें ठीक है आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा ठीक है प्रोजेक्ट रन होने के बाद अब आप यहाँ पर देखें जैसे ही टैप करेंगे तो ये कितना फास्टली ईजीली वो चीज़ों को बिल्ड कर रहा है लेकिन इसमें एक इशू ये है कि अब आप देखें जब मैं इसके ऊपर टैप करता हूँ तो मेरा विजिट दोबारा से रीबिल्ड हो रहा है यहाँ से दैट्स नॉट ए गुड थिंग तो उसके लिए हमने प्रीवियस पार्ट में कौन सी चीज़ को स्टडी किया था कंज्यूमर विजिट्स को ठीक है तो कंज्यूमर विजिट्स को जब हमने स्टडी किया था तो आई डोंट थिंक सो कि हमें इसकी नीड है ठीक है तो अब हम क्या करते हैं ये जो हमारा लिस्ट आइल वाला विजिट है ओके तो ये लिस्टाइल वाला उसको तो हम क्या करेंगे व्राप कर देंगे ओके कंज्यूमर ओके कंज्यूमर ओके एंड कंज्यूमर विजिट के अंदर हमारे पास बिल्डर मैथड के अंदर तीन पैरामीटर होते हैं ठीक है वैल्यूज एंड चाइल्ड ओके चाइल्ड एंड यहाँ पर प्रैकेट के आप अंदर आ जाए ओके एंड देन आप यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर जो आपका पहला वाला कोड था वो आप यहाँ पर ऐड कर दें एंड ये जो कंज्यूमर क्लास है इसको अब आपने बताना है कि कौन से प्रोवाइडर में जब चेंज अपीयर हो तो यहाँ पर आपने उस चेंज को शो करवाना है ठीक है तो वो आपको पता है कि फेवरेट आइटम प्रोवाइडर्स ओके okay. एंड यहाँ पर आप ये जो फेवरेट प्रोवाइडर है इसकी जगह आपने क्या करना है इसको मैं थोड़ा सा और इस साइड पे कर देता हूँ जस्ट सेकेंड ओके ये वाली वैल्यू जो है ना वैल्यू वैल्यू डॉट ऐड आइटम ओके okay. ठीक है तो यहाँ पर अब हमारे पास आ रहा है एरर द रीजन इसके यहाँ पर हमने गलत कॉन्टेक्स्ट पास किया था फेवरेट आइटम प्रोवाइडर करना था ठीक है और यहाँ पर सिमिलरली आपने अब आप फेवरेट को सेलेक्टेड आइटम कर दिया अब इसको आप सेव करेंगे ठीक है तो ये आपके लिए सेम काम करेगा ठीक है सेम काम करेगा लेकिन और आपके लिए पूरा विजिट जो है वो दोबारा से बिल्ड हो रहा है बिल्ड इसलिए हो रहा है कि इसकी हमें ज़रूरत नहीं है एंड स्टिल हम इसको कॉल कर रहे हैं इसको मैं सेव कर देता हूँ ओके okay. सेव करने के बाद अब मैं दोबारा से इसको कॉल कर रहा हूँ तो ये अगेन रीबिल्ड हो रहा है तो हम अपने प्रोजेक्ट को दोबारा से रीस्टार्ट कर देते हैं ठीक है रीस्टार्ट करने के बाद हम इसको क्या करते हैं अगेन अब आप देखें अब आपका जो विजिट है यहाँ पर दोबारा से रीबिल्ड नहीं हो रहा एंड अब आपके पास चेंजेस भी अपीयर हो रही हैं ठीक है अब आपके आइटम जो है वो फेवरेट फेवरेट हो रहे हैं अब द थिंग इज़ कि अब हमने इसको रिमूव करना है ठीक है सो so, यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाएंगे इफ़ ओके okay? value dot selected item dot contains okay index okay अगर उससे उसके उस array के अंदर पहले से एक object है ठीक है पहले से उसके अंदर है तो आप उसको रिमूव कर दें अगर नहीं है तो ऐड कर दें लेकिन अभी तक हमने रिमूव के लिए कोई कोड नहीं लिखा तो हम यहाँ पर जाएंगे ठीक है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ सेम यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ एंड रिम आर ई एम ओ वी रिमूव आइटम ओके एंड यहाँ से मैं क्या करूँगा रिमूव ऑब्जेक्ट और उसको कौन सी ऑब्जेक्ट को वो रिमूव कर दे इस वैल्यू को ठीक है अब हम वापस जाते हैं फेवरेट स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पर वैल्यू ओके वैल्यू डॉट रिमूव ओके एंड यहाँ पर इस इंडेक्स को आप यहाँ से रिमूव कर दो ओके एंड कंट्रोल सेव कर दो नाउ यू विल सी के जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो देखें ये रिमूव भी हो रहा है ठीक है एंड यहाँ पर ये ऐड भी हो रहा है ठीक है अब आप चाहते हैं अब आप चाहते हैं क्या चाहते हैं आप कि जो मेरे सेलेक्टेड आइटम्स हैं ना वो कहीं पर दूसरी स्क्रीन के अंदर मेरे जो सेलेक्टेड आइटम्स हैं आउट ऑफ दिस टेन थाउजेंड आइटम्स वो आप वहाँ कहीं अलग से शो करवा दें तो अब आपने करना क्या है आपने सिंपली यहाँ पर ये यह जो फेवरेट स्क्रीन है ना ठीक है यहाँ पर आ जाएं और एक और आप डॉट फाइल क्रिएट कर दें माई फेवरेट ठीक है यहाँ पर आप इसको माय फेवरेट्स ओके एंड यहाँ पर आप इम्पोर्ट कर लें मटीरियल लाइब्रेरी ओके मटीरियल्स एंड यहाँ पर आप अगेन इसको नेम दे दें फॉर एग्जाम्पल वट वुड आई वुड से मैं यहाँ पर इसको स्टेट फुल विजिट ओके एंड आप इसको नेम दे दें माए फेवरेट आइटम स्क्रीन ओके okay? एंड अब आपने करना क्या है यहाँ पर इसको दोबारा से मैं क्लोज कर देता हूँ ओके okay? अब आप जाते हैं अपनी फेवरेट स्क्रीन के ऊपर ओके फेवरेट स्क्रीन ओके वेयर इज़ माय फेवरेट स्क्रीन दिस वन ओके नाउ यहाँ पर आपके पास ऐप आप पार है ऐप पार के पास आपके पास एक्शंस आप होते हैं ठीक है एक्शंस के अंदर हम यहाँ पर एक आइकन यूज़ कर लेते हैं एंड यहाँ पर इसको मैं नेम देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल फेवरेट ओके okay? तो यहाँ पर हमने फेवरेट को ले आए ठीक है एंड यहाँ पर हम इसको साइज बॉक्स ओके और विथ प्रोवाइड कर देते हैं ट्वेंटी पिक्सल ठीक है अब क्या होगा कि जब मैं इस आइकन के ऊपर क्या करूँगा टैप करूँगा ओके इंक वेल ओके जब इसके ऊपर टैप करूँगा तो मुझे कोई एक्शन परफॉर्म करवाना है ठीक है अब वो एक्शन होगा ऑन टैप पे ऑन टैप ओके एंड अब आपने क्या करना है सिंपली नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर पुश कर जाना है नेविगेटर डॉट पुश ओके एंड यहाँ पर आप इसको नेम दे दें मटीरियल पेज राउट ओके मटीरियल पेज राउट ओके एंड यहाँ पर अब आप, आप इसको कॉन्टेक्स्ट पास कर दें ओके okay, और जिस कॉन्टेक्स्ट से आपने जाना है कौन सी स्क्रीन के ऊपर माय फेवरेट स्क्रीन ओके okay, एंड आप इसको यहाँ पर सेव कर दें ठीक है मैं अब क्या करूँगा मैं इस तमाम को यहाँ से फुल इस विजिट को कॉपी करके माय फेवरेट के अंदर प्लेस कर दूंगा ओके okay, यहाँ से इसको मैंने रिप्लेस कर दिया ओके एंड यहाँ पर आपके पास एरर आ रहे हैं तो अब आपने करना क्या है अब आपने यहाँ से इसको जस्ट आपने इम्पोर्ट कर लेनी है लाइब्रेरीज़ को आपके एरर रिमूव ओके okay, अब आप इसको सेव कर लें अब आप देखिएगा मैंने आइटम थर्टी टू को यहाँ पर क्या किया था ऐड किया था ठीक है अब मैं यहाँ पर जाता हूँ तो सेम लिस्ट मेरी मेरे पास आ गई है ठीक है अब आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है ओके अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ जाएं ओके एंड यहाँ पर आप यूज़ करें प्रोवाइडर एफ ए वी ओ यू आर फेवरेट प्रोवाइडर इज इक्वल टू प्रोवाइडर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड यहाँ पर आप इसको प्रोवाइड कर दें फेवरेट स्क्रीन ओके नॉट फेवरेट आइटम एफ ए वी ओ फेवरेट आइटम प्रोवाइडर्स ओके एंड यहाँ से अब आपने क्या करना है इसका ये जो आइटम काउंट है ना आइटम काउंट डॉट क्या करना है आपने इसको सेलेक्टेड आइटम डॉट लेंथ ओके एंड अब आप इसको सेव करें तो देखें आपके पास ओनली सलेक्टेड आइटम्स आ चुके हैं ठीक है एंड यहाँ से अब आप, आप इनको रिमूव करेंगे तो ये यहाँ पर भी रिमूव हो जाएंगे ठीक है ये देख रहे हैं अब आपने यहाँ से इनको रिमूव कर दिया ना ठीक है तो अब आप, आप वापस जाएं तो यहाँ पर भी आपके पास नहीं ये रहेंगे आप फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से अगेन आइटम वन आइटम थ्री और आइटम सिक्स को आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपके पास देखें ये आइटम्स वापस आ गए हैं ठीक है सो so, ये कुछ डुप्लीकेशन हो रही है तो इसको आप दोबारा से री कर दें तो आपकी डुप्लीकेशन यहाँ से रिमूव हो जाएगी देखें आइटम जीरो ठीक है ये देखें और यहाँ पर आपके पास सेम वही इशू ठीक है तो ये देखें आपके पास यहाँ से आइटम ये ख़ुद ब खुद ही रिमूव होते जा रहे हैं ठीक है एंड यहाँ पर ये जो आपके पास आ रहा है ना बेसिकली ये इंडेक्स के इशू आ रहा है द रीज़न इस कि हम इंडेक्स की बेस पे कर रहे हैं तो अब आप, आप देखें यहाँ से भी रिमूव हो जाएंगे जो चीज़ें आप यहाँ से ऐड करेंगे ठीक है दो आइटम्स आपने ऐड किया था क्योंकि ये लिस्ट चल रही है ठीक है तो ये ज़ीरो से बिल्ड होती है तो ज़ीरो से इस वजह से आपको यहाँ पर ज़ीरो वन आइटम नज़र आ रहा है ठीक है सो इसको मैं समअप करता हूँ समअप ये करता हूँ कि इस वीडियो में आपने सीखा है सिंपल सब कॉन्सेप्ट जिसमें आप एक बड़ी लिस्ट के अंदर किस तरह से सिलेक्शन करते हैं ना वो अब आप इसको इस तरह से थिंकिंग करें ना कि आपके पास फेसबुक आप है ठीक है फेसबुक के अंदर ये जो या इंस्टाग्राम की एग्जांपल ले लें इंस्टाग्राम में यहाँ पर ये जो फेवरेट आइटम होता है ये इसी तरह काम करता आप है आप उसके ऊपर टैप करते हैं ठीक है और वो आपके फ्रंट एंड में आपके पास सामने वो चेंज अपीयर हो जाती है कि यू लाइक दिस पोस्ट ठीक है उसके बिहाइंड बेसिकली इस तरह की लॉजिक इंप्लीमेंट होती है वो रियल टाइम में वो बैकग्राउंड में जाके बाद में वो कहीं फेवरेट ऐड होता है ठीक है आई डोंट नो हाउ मच टाइम इट इट इज फास्टर इट इज़ फास्टर बिकॉज क्योंकि वो जो है इंस्टाग्राम uh, ने बनाया बट दिस इज़ हाउ इट वर्क्स वो इस तरह की लॉजिक को यूज़ करते हैं ठीक है थीके? और देखते हैं कितनी फास्ट है ये देखें आप टैप करते जाएँ करते जाएँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता ठीक है सो दिस इज़ हाउ दिस थिंग्स वर्क आउट एंड इस ये एक एक एग्जांपल है देन आप आप देख सकते हैं इंस्टा व्हाट्सएप के ऊपर आप सिलेक्शन करते हैं मल्टीपल चैट्स को डिलीट करने के लिए मैसेज सेलेक्ट करते हैं सो दिस इज़ हाउ दिस लॉजिक्स वर्क आउट एंड प्रोवाइडर आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप सिर्फ एक स्पेसिफिक विजिट को बिल्ड करें जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं मैं सिर्फ इसी विजिट को बिल्ड कर रहा हूँ जो मेरा फेवरेट है ठीक है रेस्ट ऑफ विजिट से मुझे मेरा कुछ लेना देना नहीं है तो मैं उनको बिल्ड नहीं कर रहा दैट्स द ब्यूटी ऑफ प्रोवाइडर इसके बाद हमारे और भी स्टेट मैनेजमेंट है जो मैं क्या मैं जो मैं जो कि मैं आपको सिखाऊंगा लेकिन ये एक ये इट्स वन ऑफ देम एंड एज अ बिगिनर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्रोवाइडर सीखें एंड देन शिफ्ट टूवर्ड्स द ब्लॉक खैर एनी वेज मैं इसको सम अप मैंने कर दिया uh, इस वीडियो में हमने सीखा कि आप किस तरह से लिस्ट क्रिएट करते हैं उसके अंदर आप किस तरह से सिलेक्शन करते हैं और सिलेक्शन को आप किस तरह से शो करते हैं ठीक है सो आई होप कि आपकी वीडियो बहुत पसंद आई होगी बिकॉज इट टुक्स मी एट लीस्ट थर्टी मिनट टू मेक दिस वीडियो इन दिस मच डिटेल अगर आप इसकी एक एग्जाम्पल को भी समझ देते हैं ना ये आपको मैं फोर्थ एग्जाम्पल मेरे ख्याल से करवा रहा हूँ अगर आप एक को भी समझ जाते हैं ना तो यू वी रियली विद यू आप प्रोवाइडर को सीख चुके हैं ठीक है आपको अब और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है जस्ट अप टू यू कि हाउ यू कैन मेक आर आप इसको किस तरह से यूटिलाइज करते हैं ठीक है सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें आर इसके अलावा आप मेरी फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर मैं आपके क्वेश्चन को आंसर भी करता रहता हूँ यूट्यूब पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बिकॉज आप फर्स्ट कॉमेंट्स को देख सकते हैं एंड देन आप नहीं देख सकते रेस्ट ऑफ द कामेंट्स को सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एनल सी इन द नेक्स्ट वीडियो डू गिव मी यूर फीडबैक एंड द कामेंट सेक्शन थैंक यू सो मच